मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैं और देवेंद्र जी नेगोशिएशन करने गए थे। उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था कि बहुमत एनडीए को मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और जब परिणाम आ गया, एनडीए जीत गई, तो उन्होंने वादा तोड़ा और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी की गोदी में बैठ गए। पर 20 मिनिटाच्या भाषणात संपर्क अभियान आहे, तरी जवळजवळ 7 ते 8 मिनिट उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना याच्यावरच ते बोलले, ही आनंदाची गोष्ट आहे। अजूनही त्यांच्या डोक्यात शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंचं भय कायम, अजूनही। आज मैं महाराष्ट्र की जनता को बताना आया हूं, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैं और देवेंद्र जी नेगोशिएशन करने गए थे। उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था कि बहुमत एनडीए को मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और जब परिणाम आ गया, एनडीए जीत गई, तो उन्होंने वादा तोड़ा और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी की गोदी में बैठ गए। मैं आज यहां से उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी हिम्मत है तो अपनी नीति स्पष्ट करो, ट्रिपल तलाक हटाया उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक हटाया इससे आप सहमत है या नहीं है? उद्धव जी आप नीति स्पष्ट करो, राम मंदिर बन रहा है उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं पूछना चाहता हूं नांदेड़ वालों को, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, भाजपा की कई सरकारें कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रही है, आप अपनी नीति स्पष्ट करो कि आप कॉमन सिविल कोड चाहते हो या नहीं चाहते हो? मैं नांदेड़ वाले को पूछना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जोर से बोले, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है, मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, मुस्लिम आरक्षण जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो, उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास से के पुस्तक से मिटाना चाहती है, क्या आप सहमत हो? मैं नांदेड़ की जनता को पूछना था, वीर सावरकर का सम्मान, ये महान देशभक्त आदि बलिदानी आदमी का सम्मान, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्धव जी आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते हो। महाराष्ट्र की जनता के सामने मैंने जितनी बातें करी है, इसका जवाब स्पष्ट कर दीजिए, आपकी पोल महाराष्ट्र की जनता के सामने खुल जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, उद्धव जी कहते हैं कि हमने इनकी सरकार तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी है। उद्धव जी, शिव सैनिक आपकी शिवसेना की नीति विरोधी बातों से तंग आकर शरद पवार जी की पार्टी से रहने के लिए तैयार नहीं था, उन लोगों ने आपकी पार्टी छोड़ी और आपकी सरकार टूटी। दगा करने का काम, धोखा देने का काम उद्धव ठाकरे ने किया था,
मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए थे। ट्रिपल तलाक नाम से आपने मुस्लिम आरक्षण से सहमत है, तुम्ही सहमत आहे? देशाचे गृहमंत्री अमित शहा, ही देशातली कायदा आणि सुव्यवस्था वाऱ्यावर सोडून फक्त निवडणुका, राजकीय प्रचार याच्यामध्येच गुंतलेले दिसत आहे। तिकडे मणिपूर पूर्णपणे पेटलेलं आहे, मणिपूरमधली हिंसा जरा नियंत्रणात आणता येत नाही, महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी दंगे पेटवले जात आहेत, देशाच्या अन्य भागात दंगे पेटवले जात आहेत, कर्नाटकमध्ये जर भारतीय जनता पक्षाचं राज्य आलं नाही तर दंगे होतील अशी धमकी त्यांनी दिली होती। कर्नाटकात भाजपचं राज्य जाताच ते राज्य शांत झाले। देशाच्या कायदा सुव्यवस्था अंतर्गत सुरक्षा यापेक्षा त्यांना राजकीय विरोधकांवर हल्ले करणं, कायद्याचा गैरवापर करून उस्कटदाबी करणं, यालाच ते राज्य चालवणे किंवा राज्य करणे असं मानत असतील तर तशा प्रकारचं राज्य नक्की या देशात सुरू आहे आणि महाराष्ट्रात सुरू आहे। श्री अमित शहा हे काल नांदेडला आले, त्यांचं काहीतरी महासंपर्क अभियान वगैरे भारतीय जनता पक्षाचं असल्यामुळे ते आले असतील, त्यांचा पक्षाचा प्रश्न असेल, पण 20 मिनिटाच्या भाषणात संपर्क अभियान आहे, त्याने जवळजवळ 7 ते 8 मिनिटं उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना याच्यावरच ते बोलले। ही आनंदाची गोष्ट आहे, अजूनही त्यांच्या डोक्यात शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंचं भय कायम, अजूनही त्यांनी शिवसेना फोडली, त्यांनी शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह फोडलेल्या बेईमान गटाला लबाडी करून दिलं, आम्ही आमचा संघर्ष करतो आहोत, आव्हान उभं केलं आहे आम्ही, एवढं सगळं करून सुद्धा त्यांच्या डोक्यातून उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना जात नाही ही भीती आहे। त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले असते, ते असंही म्हणाले की उद्धव ठाकरे यांनी वचन पाळलं नाही असं मी ऐकलं, शब्द फिरवला। महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राची जनता ही अमित शहांपेक्षा आजही